तो दोस्तों ये है नेक्स्ट डे। कल कुछ खास ज़्यादा रिकॉर्ड हो नहीं पाया, कल डिनर विनर करके फिर हम लोग बातचीत करके रूम में वहाँ हीटर वीटर के पास बैठ के सो गए थे। तो अब हम फटाफट सुबह ब्रेकफास्ट करके हम निकल रहे हैं हाकू पीक के लिए, और दिखाते हैं वहाँ का व्यू, काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ तो स्नो नहीं है बट टेम्परेचर -1 -2 डिग्री सेल्सियस है, बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंड। ओ चलो ठीक है। और भाई फ़ोटोओं का सिलसिला नहीं ख़त्म हो रहा है भाई, इतना फ़ोटो पेल पेल के फ़ोटो, 1 करोड़ फोटोज भाई। सारा अरेंजमेंट किया, बस सम्मानित करो मेरे को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए वैभव शर्मा का। अभी सम्मान किया, हाँ गुड। और मैं इन्हीं के साथ बैठ गया हूँ अभी, और अभी डिमांड आई है कि आज सैटरडे है तो आज सुबह सुबह जैसे हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई तो हनुमान चालीसा बजाई जाएगी अभी पहले, फिर कोई दोबारा गाने वाने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चला लेगा, यहाँ चला लूंगा, यहाँ दौड़ा दूंगा, तभी तो नहीं आया तेरे साथ। मैंने दे दिया, मैं चलो ठीक है आप चला लो, प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी। दोस्तों मेरे पीछे हाथू माता का टेंपल, ये इसकी स्थापना पांडवों ने करी थी, और यहाँ पे अंदर देवी जी की उन्होंने पिंडियाँ स्थापित की थी, और ये बाद में इसका रिनोवेशन हुआ, तो ये सब वुड वर्क हुआ है अंदर, बहुत सारी डेकोरेशन हुई, और भी देवियों की मूर्ति अंदर है, तो अच्छा व्यू भी है यहाँ पे। ये जो सब आप देख रहे हो ये सामने, ये इसमें पता लगाना मुश्किल है बट ये केदारनाथ और बद्रीनाथ वाली रेंज है यहीं कहीं पे, ये मतलब इन इसमें से और इसमें से कोई एक बद्रीनाथ है, कोई केदारनाथ है, और इन पेड़ों के उस साइड किन्नर कैलाश रेंज है, मतलब वो पीक है वहाँ पे। तो दोस्तों वो जिस रेंज की मैं बात कर रहा था ना, ये किन्नर कैलाश है, और ये सब पूरी हिमालयन रेंज है। अब इस पेड़ के भी उस साइड है, मतलब फिर एक पेड़ आ गया, ये उस साइड है बद्रीनाथ केदारनाथ, ये किन्नर कैलाश। इतना आसान ट्रैक, कोई डिफिकल्ट दो, ये सब बेकार का है, वहाँ ले जाओ उधर सामने। पहली बात ये ट्रैक है ही नहीं, ठीक है जो तुम आ रहे हो। ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ऊपर खड़े मसाला खा रहे हैं ये बदतमीज़, दांत दिखाना अपने। अर्जित भाई हमें भी लेने आ जाओ। वो चोटी दिख रही है आपको पीछे, ऑलमोस्ट पहुंच गए, हार ना माने, आ जाए सब मेरे पीछे आते रहे। गाइस सब इस तरफ देखें, ये है कश्मीर की चोटी, उधर आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ की चोटी दिखेगी, उधर उधर आप गलत है, आप इधर उधर उधर और इधर मेरे छोटे
असिस्टेंट बताएंगे बताएं क्या बताया था मैंने आपको, सांस भूल गई मेरी, तुम्हारी सांस तुम्हारे फेफड़े तो बाहर आ रहे हैं। अरे तुम काम की बात बताओ, इतनी ऊंचाई पे 11,332 मीटर की ऊंचाई पे आ गए हम, काम की बात। और यहाँ पे किन्नर कैलाश, किन्नर कैलाश इधर है गाइस। हाँ। अभी जैसे मेरे असिस्टेंट ने बताया। हाँ। उधर का फिर नहीं बोल बताया तूने, यहाँ पे है किन्नर कैलाश। हाँ। है श्रीकंठ कैलाश, यहाँ पर है किन्नर कैलाश। अच्छा ठीक है। और उसके आगे केदारनाथ और बद्रीनाथ। किसके आगे? किन्नर कैलाश के आगे केदारनाथ बद्रीनाथ। कौन सी चोटी देखनी है? टॉप ऑल्टो का क्या होगा, आगे चला जाऊंगा, आगे चली जाऊंगी। ऑल्टो क्या कहेगी, ऑल्टो पता नहीं यार, लेकिन सब कहते हैं कि किंग ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो, कहते ऑल्टो चल रही है, ऑल्टो आ रही है, ऑल्टो जा रही है। तो किंग कैसा होगा ना, द क्वीन किंग, मतलब ऐसे कि जैसे उनके स्पाउस को भी बराबर का दर्जा दिया जाता है, उस टाइप से। एस्थेटिक वीडियो ये बस मैं व्लॉग में बनाने के लिए, मतलब व्लॉग में डालने के लिए बना रहा हूँ। चलो गाइस स्की कर लो। पता नहीं कैसे कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सी लग रही है, पता नहीं कैसे बर्फ है। ये है यहाँ की फेमस डिश, फेमस है कि नहीं, बट ये यहाँ की डिश है, इसे कहते हैं सिड्डू, मूसे वाला नहीं, ओनली सिड्डू। और ये इसके अंदर ये देख रहे कुछ फीलिंग्स ही है, और खा के बताते हैं कैसा है। कैसा है? बढ़िया बढ़िया। वाइज एडवेंचर आइलैंड का पास मिल गया है, हम जा रहे हैं एडवेंचर रिजॉर्ट कुफरी में, ढेरों एक्टिविटी करेंगे, देखते हैं। पहले तो गो कार्टिंग करेंगे, अगर अंधेरा। गाड़ी की स्लिप हाँ मिली है, तुमने दे दो। कहाँ भाई, बिना पढ़े लिखे बिल्कुल आगे निकले ही जा रहे हो। नहीं थी वहाँ, देखते देखते बस वहीं पहुँच गए थे। क्यों, कहाँ ध्यान है जो तुमने दिखा नहीं है? भेलपूरी यहाँ लिखा है ना, गो कार्टिंग ऊपर, तो ऊपर चलो। गाइस ये भी एक झूला है, और हम झूलों वाला पैकेज लेने वाले थे, लेकिन हमारी ट्रिप आउट ऑफ बजट हो जाती गाइस, इसलिए हमने केवल कार्ट वार्ट लिए बस गाइस। वो एक भी चलाने नहीं आती तो बैठ जाओ। चलो गाइस, किसी को शायद आवाज कर रही थी। हाँ हाँ बढ़िया। शुभम रेडी? मजाक अच्छा करते हो, बताओ चलाता हूँ। स्ट्रेस क्यों ले रहा है इतना? स्ट्रेस नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ भी न चले मेरे साथ, मेरे एक्सपेक्टेशन के साथ। वैभव ना कोई मंजिल है, ना कोई ठिकाना है। अर्षद दिखा देंगे पीछे देखे, अर्षद, अरे अर्षद सिंगल है क्या कोई? वो रही आगे, सबसे आगे। दोस्तों मुझे जैसे ये सब लोग गाड़ी में बैठे ना, वाली रेस याद आ रही है जो गोलमाल मूवी में थी। तेरे को ढूंढने वाला था, छोड़ो। गाइस शॉपिंग हो गई है गाइस, चटनी, अचार, चिप्स, अलाना फलाना, सब सब कुछ, एप्पल, कोई एप्रिकॉट, कोई जिंजर, अलाना फलाना। गाइस देखो सन भी सेट हो रहा है, पेड़ों के पीछे, इन झोपड़ियों के भी पीछे, ओहो
सारा व्यू खराब कर दिया। थोड़ा बहुत देखा भाई, इसी में देख लो यार, इसी में हो रहा है। गाइस हम लोग आ गए हैं अपने नए होटल में। भाई साहब ये क्या ले लिया भाई, गजब, गुड गुड गुड। ये हमारा फर्स्ट रूम, ये है हमारा क्लोजेट, वॉकिंग क्लोजेट भाई, बढ़िया भाई। ये हमारा ये ड्राइंग रूम, ये है सेकंड रूम, आई बेड है, आई बेड है, एक और क्लोजेट। हेलो गाइस, गुड गुड गुड, बढ़िया। लोगों के रिव्यू, हाँ भाई सेक्सी भाई, तुरंत तुरंत रख के चलना था बैग, चलो बैग रखो, चलो इतना ही बहुत है, बहुत ज्यादा सही है। बालकनी भी है सर आपके पास, बढ़िया बढ़िया भाई, सही किचन। अभी सुना ली नीचे कह रही थी, बहुत ही ज्यादा बैग है वाला, इसमें बहुत है, तो वो हल्का सा आ रहा है, छत पे चलेंगे बॉनफायर होने का, तो आप लोग वैसे कैसे घुसते हो भाई, मोड़ चल रहा है, फर्स्ट वाला बहुत अच्छा था, छोड़ो यार नहीं सही है। अरे नहीं मैं भी पता, अभी यही कह रहा था फर्स्ट वाला स्टेयर तेरा बेस्ट है, इसको यही बोला अभी घुसते, हां इसने नीचे यही बोला था कि बहुत अंदर है, लेकिन जैसे ही हमने गेट खोला हम पागल हो गए, पागल हो गए, भाई बहुत अच्छा है भाई, ये भी ऑन होता होगा यार, कैसे भी ये कैसे ऑन होता है, अरे लाइट हो गया ऑन, चिड़े टिड़े चिड़े, लो बच्चों। तो दोस्तों अब आ गए हैं वापस अपने रूम पे, बाहर घूम फिर के, लेट बहुत ज़्यादा हो गया था तो इसलिए खाना हमने ऑर्डर कर लिया है, और ऊपर जहाँ हम स्टे किया हुआ है इसके टेरेस पे बॉनफायर रेडी है, वहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे, फिर कल की तैयारी। कल एक टेम्पल है पास में हनुमान जी का, वहाँ जाएंगे, वो सब देखते हैं, मतलब कल की आइटनरी कुछ भी अभी डिसाइडेड नहीं है, जो होगा वो आपको दिख ही जाएगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट व्लॉग विल बी आउट वेरी सून, तब तक टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग।